Hello everyone, happy advance Valentine's to those who celebrate. How are you all doing? I hope you all are doing well and great और आप सब अपने घरों में खुशबाश होंगे. अच्छा, जो आज हम वीडियो बना रहे हैं वो एक बुके है जो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, किसी को भी दे सकते हैं वैलेंटाइंस पे. ठीक है, आपने पहले एक पर्पल कलर की फॉर्मिंग शीट लेनी है और उसके चारों गिर्द ना आपने रेड कलर का रिबन चिपका देना है. ठीक है, ग्लू लगा के. उसके बाद आपने आर्ट वायर लेनी है, उस पर ग्लू लगानी है और पॉम पॉम उसके अंदर घुसा देना है. ठीक है, उसके बाद आपने रेड कलर का फ्लावर पेपर लेना है और उसे दो फोल्ड्स देने हैं और फिर उसे कटाई शुरू करनी है उसकी. ठीक है, इस तरह से आपने गुलाई में उसे काट देना है, इस तरह से करके. अब ये इसका एक हिस्सा ऊपर लेके जाना है, पिछले वाला आगे हिस्सा जो होगा वो थोड़ा सा नीचे होगा. और इसको आपने उस पॉम पॉम के इर्द गिर्द लपेट देना है और ग्लू लगा के उसे अच्छी तरह चिपका देना है. ठीक है, उसके बाद उसे नीचे से अच्छी तरह ट्विस्ट कर लें ताकि वो हिले ना और अपनी जगह पे स्टेबल रहे. उसके बाद आपने ग्लू लगानी है और ग्रीन कलर का फ्लावर पेपर लेना है और उस आर्ट वायर के इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर देना है. ठीक है, उसे अच्छी तरह से रोल कर लें उसके इर्द गिर्द आर्ट वायर के और फिर एंड में जाके उसे ग्लू लगा के दोबारा स्क्योर कर लें. ठीक है, और फिर आपने घर में कहीं से प्लास लपना है और प्लास से आपने उसकी काट देना है. ठीक है, आर्ट वायर को कैंची से भी कट जाएगी, वैसे पता नहीं क्यों लाई थी मैं. अच्छा, उसके बाद मैंने पत्ते काट लेने हैं फ्लावर पेपर के. ठीक है, और उसे उनको भी चिपका देना है उसके साथ. मुझे सांस चढ़ गया. अच्छा अगेन, या प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक भी मर दिया करो, ते कमेंट करना ते कदे ना भूलिया करो. आई होप आर आई पी पंजाबी. अच्छा, उसके बाद आपने फ्लावर्स को जो है ना जो हमारी फॉर्मिंग शीट थी उन पर रखना है और इस तरह रखना है कि पॉम पॉम सामने नजर आए, मतलब अच्छी तरह एडजस्ट करके. ठीक है, ये जी हमने रख दिया. उसके बाद आपने टेप लगानी है, आर्म स्कॉच टेप, और इसके मैंने 3 दफ़ा लगाई थी ताकि अच्छी तरह पक्का स्क्योर हो जाए, हिले डुले ना. और जी उसके बाद मैंने फोल्डिंग्स देनी है, ये बड़ा मतलब इसका ट्रिकी सा काम है, इसके आपने ध्यान रखना है. फोल्डिंग्स देनी है 2, और उसके बाद जी दो फोल्डिंग्स पे हाथ रख ही रखना है क्योंकि ये हिल सकती हैं. और उसके बाद आपने ले लेनी है, क्या ले लेनी है, टेप ले लेनी है. यस, उसके बाद आपने टेप चिपका देनी है और उसके बाद आपने फिर रेड रिबन लेना है, बल्कि नहीं, वो जो रेड रिबन था ना नीचे वाला फॉर्मिंग शीट पे, उसको आपने वाजे कर देना, बाहर की तरफ निकाल लेना है हल्का सा. ठीक है, उसके बाद आपने रेड रिबन लेना है और उसकी एक नॉट बांधनी है इस तरह से. उसके बाद हमने उसकी एक बो बना लेनी है. ये जी हमारी बन गई बो, डन भाई. ठीक है, उसके बाद आप एक बीड ले लें, और बल्कि नहीं, अभी अपने UHU लेनी है और उसको अच्छी तरह से, वो जो हमने फोल्ड्स दिए थे ना फॉर्मिंग शीट के, उन्हें अच्छी तरह हमने पक्का कर लेना है. ठीक है, ताकि वो फोल्ड्स दिखें. उसके बाद आपने बीड लेना है और बीड चिपका देना है. और ये जी डन 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 है हमारा